आ जाओ कार्ड रेशियो। थर्ड रेशो है डेटर्स टर्नओवर रेशो, जिसकी फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल की फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय टू। स्टूडेंट्स डेटर्स रेशियो पता है क्या इंडिकेट करता है? हमने गुड्स दो तरीके से, हम लोग गुड्स बेचते हैं, कैश और क्रेडिट। कैश तो तुरंत पैसा आ गया, लेकिन आपने जो क्रेडिट पे गुड्स बेचे उनको आपको एक ड्यूरेशन देना पड़ता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप गुड्स बेचे और जब आपकी इच्छा हो तो पैसे देना, तो तुम्हें लगा मैं 10 साल के बाद पैसा। वी हैव टू प्रोवाइड देम अ डेट और वी हैव टू प्रोवाइड देम अ ड्यूरेशन। डेटर्स रेशियो इंडिकेट करता है कि कितना ड्यूरेशन हम लोगों को उनको देना है, 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, 1 वीक, 2 वीक, कितना ड्यूरेशन हमको प्रोवाइड करना है वो डेटर्स रेशियो इंडिकेट करता है। कह रहे बेटा मैं फॉर्मूला देखो फटाफट सम शुरू करें जल्दी। बेटा लिख दिया सबने, आ जाओ सम पे आ जाओ बेटा। फाइंड आउट डेटर्स रेशियो, फाइंड आउट डेटर्स रेशियो इन डेज कॉमा वीक एंड इन मंथ from following information, sales is equal to 6,05,000, sales return is equal to 5,000, cash sales is 20% of credit sales. Cash sales is 20% of credit sales. Opening debtors is equal to ₹3 lakh, closing debtors is equal to ₹2 lakh, opening bills receivable, closing bills receivable नहीं है, चिंता नहीं करने की, नहीं दिया तो जबरदस्ती हम लोग लाएंगे नहीं कहीं से भी, घर से नहीं लेके आएंगे, नहीं दिया तो स्किप, ओके, ध्यान देना बेटा, मेरी फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली मुझे सबसे पहले क्या चाहिए बेटा? है क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स नहीं है, लेकिन एक स्टेटमेंट लिखा है मैंने, क्या लिखो ये? कैश सेल्स इज
20% of credit sales. Suppose करो मेरा credit sales है 100, plus करूं मैं cash sales 20, तो मेरे को total sales 120 मिलेगा बेटा. क्लियर हो बच्चा मैं सबको? ये total sales, ये credit sales. अगर total sales 120 है तो credit sales कितना बेटा? 100. टोटल सेल्स कितना है बेटा आपका? उसमें सेल्स रिटर्न कितना है? 5000. तो माइनस कर देगा तो 6 लाख. कितना कितना बचा टोटल सेल्स? 6 लाख. तो क्रेडिट सेल्स कितना? 5 लाख आया. नाउ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, उसकी फॉर्मूला क्या है बेटा? ओपनिंग, सॉरी यार ओपनिंग डेटर्स है यहाँ पे, माय मिस्टेक है, सॉरी. ओपनिंग डेटर्स और यहाँ पे क्लोजिंग डेटर्स है. वो स्टॉक स्टॉक चल रहा था मगज में, वही लिख दिया. बच्चों ओपनिंग डेटर्स कितने बेटा क्वेश्चन में देखो तो 3 लाख प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2, फाइनल डिवाइड बाय 2, 2 लाख 50 आया. नाउ डेटर्स रेशियो फॉर्मूला क्या है बेटा? क्रेडिट सेल्स which is 5 lakh divided by average trade receivable 2,50,000. 2 times. Okay? बेटा ध्यान से समझना. ऊपर क्वेश्चन देखो तो आपको किसमें किसमें फाइंड करने को बोला है बेटा? डेज, वीक एंड मंथ. ध्यान से समझना. पूरे साल में टोटल डेज कितने? 365 डिवाइड बाय डेटर्स रेशियो 2 टाइम्स. 365 डिवाइड बाय 2 करो बेटा 180 इक्वल एंड टू 183.5 है बेटा. 0.5 या उसके ऊपर होता है तो हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं. इसका मतलब के हम लोग डेटर्स को 183 डेज देंगे अपना पेमेंट करने के लिए. अब मुझे उसको और किसमें फाइंड आउट करना है? वीक में. पूरे ईयर में वीक कितने होते हैं बेटा? 52 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 26 वीक देंगे. मंथ में फाइंड करना है. पूरे साल में मंथ कितने? 12 डिवाइड बाय 2 मतलब लोगों को 6.1 देंगे. कंसेप्ट क्लियर है बेटा सबको? कोई कंफ्यूजन सब में? कंप्लीट करो बेटा. बेटा जिन लोगों का ये सम हो जाए वो एग्जांपल 29 एंड एग्जांपल नंबर 30 करेंगे फटाफट.
स्टूडेंट्स कंप्लीट बेटा। अब इसी तरीके से आता है लास्ट क्रेडिटर्स रेशियो। बेटा डेटर्स रेशियो मतलब हम डेटर से कितने टाइम में पैसा लेंगे। एंड क्रेडिटर्स रेशियो क्या होता है कि हम उनको कितने टाइम में पैसा देंगे। सब कुछ सेम फॉर्मूला क्या हो जाएगी बेटा। ऊपर हमने क्या फॉर्मूला लिखी क्रेडिट से, यहां क्या हो जाएगा क्रेडिट परचेज अपॉन में वहां पे क्या लिखा था बेटा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यहां क्या आ जाएगा अब एवरेज ट्रेड पेबल की फॉर्मूला क्या होती है बेटा। ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय सेम कैलकुलेशन सब कुछ डन। डायरेक्ट सम दे दो हो जाएंगे 31 एंड 32 एग्जाम्पल 31 एग्जाम्पल 32।
बेटा सम्स कंप्लीट हो गए, अब स्टूडेंट्स होमवर्क नोट डाउन करेंगे बेटा सब लोग। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में हमने लास्ट 14, 15 to 19 ऑल सम्स मैं परसों चेक करूंगा, परसों हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। मांगो।